अभी हम लोग पोखरा से 20 किलोमीटर दूर नौडाड़ा चौक पर रुके हुए हैं। यहाँ से हम पहाड़ों पर जाएंगे प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने के लिए। रोड के किनारे रुक करके हम लोग पहाड़ों के बीच के प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलेंगे। हमें एक झरना मिला है जिसको देखिए आप, लोग रुके हुए हैं और अभी मैं झरने के पास जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसी झरने की वजह से हम लोग रुके हुए हैं रास्ते में। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इसी के बीच में। रास्ता काफी दुर्गम था, जैसे तैसे हम लोग यहाँ पर पहुंचे। पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत सा झरना है, यहाँ पर हम लोग कुछ देर के लिए रुकेंगे। इस झरने का पानी काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी आवाज़ भी हो रही है इस तरह से पानी गिरने के बाद। इस तरह की जगह पर बार बार आने का मन करता है। भविष्य में आपको कभी भी मौका मिले तो आप पहाड़ों के बीच में इस तरह के झरने के बीच में आकर के इसका आनंद ज़रूर लें। पहाड़ों में जीवन होता है, इसको स्पर्श करना बहुत ही सुखदायक लगता है। ये पहाड़ काफ़ी पुराने होंगे जो अरबों और लाखों सालों से यहाँ पर पड़े हुए हैं इस तरह से और इसी तरह से खूबसूरती बनाए हुए हैं। देखने में देखिए कितने पुराने। पहाड़ों में इस तरह से निर्बाध रूप से गिरते हुए जल, कलकल की आवाज़ के साथ चिड़ियों की चहचहाहट बहुत ही सुकून देने वाली है।
इस तरह के शैलों को छूना देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है। इनको छूने के बाद एक अलग ही तरह की अनुभूति हो रही है। जिस तरह से ये अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं वह अकल्पनीय है। इन शिलाओं को छूने के बाद सचमुच ऐसा लगता है कि इसमें जीवन अभी भी है।